स्टार्ट हो गया। अभी सिर्फ एक दिख रहा है कोई, वो भी नहीं देख पा रही है, पर एक दिख रहा है कोई। अभी बस स्टार्ट करती हूँ, कुछ दो चार लोग जुड़ जाए। महेंद्र भट्ट चाचा जी नमस्कार। चाचा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अभी और लोग जुड़ जाएं तभी फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। आप लोगों को आवाज आ रही है? चाचा जी आवाज आ रही है मेरी? अब मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ और सबसे पहले मैं ममता की कलम से मंच को मैं नमन करती हूँ। और श्रीमती ममता खरे जी, जो एक मेरी बहुत प्यारी बड़ी बहन हैं, बहुत अच्छी बहन, उनका मैं नमन करती हूँ जो उन्होंने मुझे अपने मंच पे काव्य पाठ के लिए बुलाया। और मेरे इस मंच से जुड़े हुए जो सब लोग भी हैं जो मुझको देख रहे हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। महेंद्र चाचा जी आपका बहुत बहुत आभार, आपसे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है, आप आए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं देहरादून से हूँ और मैंने 20 ईयर्स टीचिंग की है, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है। मैं डबल एमए और एमएड हूँ और इस समय मैंने 5-6 साल पहले अपनी जॉब को छोड़ा है। अब मैं घर में ही रह के यूट्यूब चैनल, किचन ब्लॉग, अखिल भारतीय हिंदी महासभा की प्रांतीय मंत्री हूँ, कंट्री ऑफ इंडिया की रिपोर्टर हूँ और मैं गीत, गज़ल, भजन और कविताएँ, छंद मुक्त कविताएँ भी लिखती हूँ और अभी भी लिखने की सीख रही हूँ। मैं ये कह सकती हूँ मैं लिखना सीख रही हूँ। मैंने अब आगे जो किचन ब्लॉग है मेरा, उसमें मैं अपनी खुद की इन्वेंट करी हुई चीज़ों को सबके सामने लाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो। सरन जी जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक आभार। ममता दीदी जुड़ी हैं, हार्दिक आभार। और जो लोग भी जुड़ रहे हैं इस पटल से, उन सबका हार्दिक आभार। और सबसे पहले, जैसे कि सभी हम जानते हैं कि सरस्वती वंदना एक परंपरा, उसको मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ, अज्ञानता से ज्ञान दे माँ, उजालों का मुझको संसार दे माँ, अज्ञानता से ज्ञान दे माँ, उजालों का मुझको संसार दे माँ, विद्या देना ईशार दे माँ, विद्या देना ईशार दे माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ, मीठे वचन हो कंठ मधुर हो, ममता को मुझको तू वर दे माँ, मीठे वचन हो कंठ मधुर हो, ममता का मुझको तू वर दे माँ, दया देना ईशार दे माँ,
दया देना हे शारदे माँ, अपनी शरण में मुझको दे ले माँ। छल कपट से दूर रहूँ मैं, मन में कोई लोभ न हो माँ। छल कपट से दूर रहूँ मैं, मन में कोई लोभ न हो माँ। सत्या देना हे शारदे माँ, सत्या देना हे शारदे माँ। अपनी शरण में मुझको ले माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुझे कमेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं, मैं सबका बाद में जवाब दूंगी। और जो भी लोग भी इस पंच से जुड़ रहे हैं, सबका हार्दिक आभार। ममता दीदी, सरन जी, चाचा जी, महेंद्र भाई चाचा जी, सब लोग जुड़े हुए हैं। और मैं ऋषि भाई सब, भाभी जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत आभार, आप लोग सब लोग जुड़े हैं। और एक जब कोई भी वक्ता या कोई भी अपना प्रोग्राम देने आता है, तो उसको जो श्रोता लोग सुनते हैं, तो उनके बीच में एक रिश्ता बन जाता है। जब वो ये रिश्ता बन जाता है, तो मज़ा दोनों को आता है, सुनाने वाले को भी और सुनने वालों के लिए। तो मैंने उसी के लिए ये कुछ पंक्ति लिखी है। श्रोता, मैं शब्दों को पंक्तियों में पिरो लिखती रहूँ, मैं शब्दों को पंक्तियों में पिरो लिखती रहूँ, अल्फाजों को रस में डुबो कहती रहूँ, अल्फाजों को रस में डुबो कहती रहूँ। आप श्रोता मुझे मेरे यो ही सुनते रहे, आप श्रोता मुझे मेरे यो ही सुनते रहे, आशीर्वाद और मैं लेती रहूँ, आशीर्वाद और मैं लेती रहूँ। मैं मन की भावनाओं को कहती रहूँ, मैं मन की भावनाओं को कहती रहूँ, दिल की गहराइयों से सच लिखती रहूँ, दिल की गहराइयों से सच लिखती रहूँ। मैं और आप एक बंधन में बंधे, मैं और आप एक बंधन में बंधे, आप मुझसे आपसे मैं कहती रहूँ, आप मुझसे मैं आपसे कहती रहूँ। मैं शब्दों को पंक्तियों में पिरो के लिखती रहूँ। और इसी के साथ एक मेरी गज़ल जो मैंने रात के ऊपर लिखी है, उसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शब भी अपने पूरे यौवन पर आई है, शब भी अपने पूरे यौवन पर आई है, और चांदनी देख चांद को मुस्काई है, और चांदनी देख चांद को मुस्काई है। उनकी चाहत की तड़ पर सागर सी गहरी, उनकी चाहत की तड़पन सागर सी गहरी, उसकी गहराई में मेरी तन्हाई है, उसकी गहराई में मेरी तन्हाई है। इस चांदनी ने की है मेरी रुसवाई, इस चांदनी ने की है मेरी रुसवाई, आँखों में पानी के मोती भर लाई है।
आँखों में पानी के मोती भर लाई हैं, नशा ख्वाहिशों का है रातों के पहरों में, नशा ख्वाहिशों का है रातों के पहरों में, मेरे दिल में भी कुछ मस्ती सी छाई है, दिल में मेरे दिल में बेबी कुछ मस्ती सी छाई है, जना को तो आदत है धुन में बहने की, जना को तो आदत है धुन में बहने की, भले सी धुन में उसने ठोकर खाई है, भले से धुन में उसने ठोकर खाई है, शब भी अपने पूरे यौवन पर आई है, शब भी अपने पूरे यौवन पर आई है। ये मेरी एक गज़ल और एक मेरी अपनी एक कविता जिसे मैंने अपने मायके से अभी जो गई थी तो उसे लौटते वक्त इसको लिखा है और वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यादों की खिड़की। मैंने जब अपनी यादों की खिड़की खोली, मैंने जब अपनी यादों की खिड़की खोली, खुद को अपने बचपन की यादों में पाया, खुद को अपने बचपन की यादों में पाया, जिंदगी के सुनहरे वक्त को फिर से जिया, जिंदगी के सुनहरे वक्त को फिर से जिया, वो खेल खिलौने स्कूल के वादों में पाया, वो खेल खिलौने स्कूल के वादों में पाया, माँ की ममता प्यार पिता का प्यार महसूस किया, माँ की ममता पिता का प्यार महसूस किया, मैंने खुद को आंचल की मुरादों में पाया, मैंने खुद को आंचल की मुरादों में पाया, वो बहती हवा की ठंडी बारिश, वो बहती हवा की ठंडी बारिश, वो बेफिक्र भीगने के आनंद में पाया, वो बेफिक्र भीगने के आनंद में पाया, वक्त रुकता ही नहीं बस बढ़ता ही जाता है, वक्त रुकता ही नहीं बस बढ़ता ही जाता है, एक दिन खुद को दुल्हन के लवादों में पाया, एक दिन खुद को दुल्हन के लवादों में पाया, हूक उठती दिल में पीहर याद आता है, हूक उठती दिल में पीहर याद आता है, सब छोड़ के खुद को आशीर्वादों में पाया, सब छोड़ खुद को आशीर्वादों में पाया, मायके की बगिया को सींचते भाई भाभी, मायके की बगिया को सींचते भाई भाभी, मैंने अपने को उन पकवानों में पाया, मैंने अपने को उन पकवानों में पाया, मैंने जब अपनी यादों की खिड़की खोली, खुद को अपने बचपन की यादों में पाया, खुद को अपने बचपन की यादों में पाया। तो ये मेरी बचपन की यादें, जो बचपन से लेके हम चीज़ों को याद करें तो सब एकदम से ऐसा लगता है आँखों के सामने से निकल जाती हैं। कमेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक आभार। और आज मैंने अभी अभी ममता दीदी के प्यार में मैंने सावन पे एक गीत लिखा है। ममता दीदी, खास नज़र आपकी है, आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये गीत कैसा लिखा है। सावन में मेघों को जो मस्ती आई है, 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 तो नाच उठी उनके संग में पुरवाई है, तो नाच उठी उनके संग में पुरवाई है, फूलों पे बूंदों की रिमझिम ऐसी बरसी, फूलों पे बूंदों की रिमझिम ऐसी बरसी, बूंदों से भबरों पे मधोशी
छाई है, फूलों से बबरों पे मधोशी छाई है, यौवन से धरती भी निखरी जैसे दुल्हन, यौवन से धरती भी निखरी जैसे दुल्हन, कड़ कड़ में हरियाली हंस कर हर्षाई है, कड़ कड़ में हरियाली हंस कर हर्षाई है, बेहद खुश एक कली जो खिल कर फूल बनी, बेहद खुश एक कली जो खिल कर फूल बनी, पूरी बगिया जिसके कारण मुस्काई है, पूरी बगिया जिसके कारण मुस्काई है, झर झर झरते झरने दिल कश लगते झरना, झर झर झरते झरने दिल कश लगते झरना, दौलत में झरनों की कुदरत ने पाई है, दौलत में झरनों की कुदरत ने पाई है, सावन में मेघों को जो मस्ती आई है, सावन में मेघों को जो मस्ती आई है, सावन में मेघों को जो मस्ती आई है। और इसके आगे मेरा एक गीत जो कोरोना के समय में मैंने लिखा था, जब सब तरफ से इतनी ख़राब बातें, निराशा भरी बातें सुनने को मिल रही थी, तो उस समय मैंने ये एक गीत लिखा था, उसको आपके लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ईश्वर मेरे मौला मेरे कर दो बस एक काम, ईश्वर मेरे मौला मेरे कर दो बस एक काम, ये सबकी सांस बख्श दो, हो सांस बख्श दो, ईश्वर मेरे मौला मेरे कर दो बस एक काम, ये सबकी सांस बख्श दो, हो सांस बख्श दो, करे हम सब तेरी पूजा मांगे बस एक दुआ, करे हम सब तेरी पूजा मांगे बस एक दुआ, अब तो विराम कर दो, ईश्वर मेरे मौला मेरे कर दो बस एक काम, कि सबकी सांस बख्श दो, हो सांस बख्श दो, है परेशान ये इंसान सूझत ना कोई उपाय, है परेशान ये इंसान सूझत ना कोई उपाय, अब तो कृपा कर दो, ईश्वर मेरे मौला मेरे कर दो बस एक काम, कि सबकी सांस बख्श दो, हो सांस बख्श दो, माना कसूर हमारा कुदरत ने किया खिलवा, माना कसूर हमारा कुदरत ने किया खिलवा, अब तो रिनान कर दो, ईश्वर मेरे मौला मेरे कर दो बस एक काम, कि सबकी सांस बख्श दो, हो सांस बख्श दो, ईश्वर मेरे मौला मेरे कर दो बस एक काम, कि सबकी सांस बख्श दो, हो सांस बख्श दो, ईश्वर मेरे मौला मेरे ईश्वर मेरे मौला मेरे ईश्वर मेरे मौला मेरे कर दो बस एक काम, कि सबकी सांस बख्श दो, हो सांस बख्श दो। आप सभी लोग जो लोग भी जुड़े हैं, सरन जी, ममता दीदी और गोपाल केसरी जी, बाकी मैं औरों के नाम नहीं देख पा रही हूँ, महेंद्र भट्ट चाचा जी, सबका बहुत बहुत आदि कवायद, और आप लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। इससे आगे एक मेरा शेर, यारों ने सजाई है महफिल यार की, यारों ने सजाई है महफिल यार की, हर चेहरे पे रौनक है प्यार की, हर चेहरे पे रौनक है प्यार की, बड़े कश्मकश और मुद्दत के बाद
आई हैं ये घड़ियाँ इजहार की। बड़े कशमकश और कुदरत की मुद्दत के बाद आई हैं ये घड़ियाँ इजहार की। और ये मुद्दत मैं इस पटल को देना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों से आना चाहती थी लेकिन आने का हो ही नहीं पा रहा था, कभी कोई दिक्कत आ जा रही थी कभी कोई दिक्कत। तो ये इस पटल के नाम मेरा ये शेर है और इसके आगे एक मेरा शेर और है। मन को बचा बना लिया मैंने, मन को बचा बना लिया मैंने, हर फिक्र को दिल से मिटा लिया मैंने, हर फिक्र को दिल से मिटा लिया मैंने, ना कोई अब नफरत है और ना उल्फत, तमन्नाओं का बाग सजा लिया मैंने, तमन्नाओं का बाग सजा लिया मैंने, मन को बचा बना लिया मैंने, मन को बचा। और इसके आगे एक मेरा दो लाइनें। बूंदों की आज धरती पे त्योहार हो गया, बूंदों का आज धरती पे त्योहार हो गया, मौसम भी आज देखो खुशगवार हो गया, मौसम भी आज देखो खुशगवार हो गया। हर जगह बारिशें शुरू हो गई हैं और जब बूंदें पड़ती हैं तो मौसम का खुशगवार होना तो बनता ही है। तो ये आजकल सब जगह जो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है उसके लिए ये है। और आगे में एक अपने गीत की तरफ ले चलती हूँ। उनसे बातों ही बातों में क्या बात हो गई, उनसे बातों ही बातों में क्या बात हो गई, बदला मौसम और ये बरसात हो गई, उनसे बातों ही बातों में क्या बात हो गई, बदला मौसम और ये बरसात हो गई, क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ और क्यों हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ और क्यों हुआ, यूँ आँखों की आँखों में रात हो गई, यूँ आँखों की आँखों में रात हो गई, बदला मौसम ये बरसात हो गई, उनसे बातों ही बातों में क्या बात हो गई, उनसे बातों ही बातों में क्या बात हो गई, बदला मौसम ये बरसात हो गई, भाई नाभ और कोई तेरे नाम चाहत हुई, भाई नाब और कोई तेरे नाम ये चाहत हुई, आज दिल से साजन की मुलाकात हो गई, आज दिल से साजन की मुलाकात हो गई, बदला मौसम ये बरसात हो गई, उनसे बातों की बातों में उन्होंने भेस हाय किया, एक इशारा दे दिया, उन्होंने भेस हाय किया, एक इशारा दे दिया, दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई, दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई, बदला मौसम ये बरसात हो गई, उनसे बातों की बातों में क्या बात हो गई, उनसे बातों की बातों में क्या बात हो गई, बदला मौसम ये बरसात हो गई, बदला मौसम ये बरसात हो गई, ला 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 ला
और इसी के साथ मैं आगे अपनी एक सावन के, जैसे हम देख ही रहे हैं कि हम लोग सावन शुरू हो गया है, और मैं सावन पे सावन का गीत लेके आई हूँ। सावन सावन आया रे मन भावन, आया के सावन सावन आया रे मन भावन, आया सजना मेरे साथ है, खुशियों की बरसात है। सावन सावन आया रे मन भावन, आया के सावन सावन आया रे मन भावन, आया अमवा के डार पे झूले पड़ गए कोयल गाए मेघ मलार, अमवा के डार पे झूले पड़ गए कोयल गाए मेघ मलार, जंगल में मोर नाचे देखो आई कैसे बहार, पुरबा चले काली घटा बहे, पुरबा चले काली घटा चले, सजना मेरे साथ है, खुशियों की सौगात है। सावन सावन आया रे मन भावन, आया सावन सावन आया रे मन भावन, आया धानी चुनरिया ओढ़ के मैं छुपते छुपाती आऊँ, धानी चुनरिया ओढ़ के मैं छुपते छुपाती आऊँ, सजना के संग झूलूँ झूला ऊँची पेंगे बढ़ाऊँ, छोनी कन कन करे कि पायल छन छन बजे, चूड़ी खन खन करे कि पायल छन छन बजे, सजना मेरे साथ है, खुशियों की बरसात। देखो सावन आया रे मन भावन, आया कि सजन सावन आया रे, सावन सावन आया रे भजन सावन आया रे मन भावन आया। और इसके आगे सावन का महीना है, सावन पे मैंने कई चीज़ें अभी लिखी, और इसमें एक मुक्तक भी मैं पढ़ने जा रही हूँ। आसमान ने बदली का घूंघट डाला है, आसमान ने बदली का घूंघट डाला है, घटाओं के संग वो प्रीतम से मिलने वाला है, घटाओं के संग वो प्रीतम से मिलने वाला है, पवन भी छेड़ रही मधुर तराना कोई, पवन भी छेड़ रही है मधुर तराना कोई, बूंदों की चून से ये दिल हुआ मतवाला है, बूंदों की चून से ये दिल हुआ मतवाला है, सब आसमान ने बदली का घूंघट डाला है। और इसके साथ ही मैं अपनी एक गजल की तरफ आपको लेती हूँ, ले चलती हूँ। तुम तुझको जब से देख लिया है, तुझको जब से देख लिया है दिल तेरा ही कायल है, तुझको जब से देख लिया है दिल तेरा ही कायल है, प्रीतम मेरे बतला दे तू क्या ये तेरे काबिल है, प्रीतम मेरे बतला दे तू क्या ये तेरे काबिल है, आ भी जाए हमदम मेरे दिल ने आज पुकारा है, आ भी जाए हमदम दिल ने आज पुकारा है, तू ही मेरा जीवन साथी तू ही मेरा हामिल है, तू ही मेरा जीवन साथी तू ही मेरा हामिल है, तुमको अपना मान लिया अब तुझसे कैसा शर्माना, तुमको अपना मान लिया अब तुमसे कैसा शर्माना, मुझको इतना बतला दे बस क्या तू मुझ में शामिल है, मुझको इतना बतला दे
बस क्या तू मुझ में शामिल है। मैं तेरे दिल में बस जाऊं, दिल ने ऐसा ठान लिया। मैं तेरे दिल में बस जाऊं, दिल ने ऐसा ठान लिया। तेरा प्यार सुझाता मुझको बाकी दुनिया बातिल है। तेरा प्यार सुझाता मुझको बाकी दुनिया बातिल है। तेरी मेरी उल्फत का बस यूं ही रोज झरे झरना। तेरी मेरी उल्फत का बस यूं ही रोज झरे झरना। तुझको पालू दिल में बसा लूं तू मेरा साहिल है। तुझको पालू दिल में बसा लूं तू ही मेरा साहिल है। तुझको जब से देख लिया है दिल तेरा ही कायल है। और इसी के साथ एक मेरा ये आपके सामने कविता पढ़ने जा रही हूँ, और इसमें मैंने इस कविता में आंसुओं का वर्णन किया है और उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। छलक जाती है आंखों से नमक की जो ये मोती। छलक जाती है आंखों से नमक की जो ये मोती। एहसासों से भरी होती है आंखों के ये मोती। एहसासों से भरी होती ये आंखों के ये मोती। इसी में प्रेम नफरत त्याग और ममता भी है। इसी में प्रेम त्याग ममता। इसी में प्रेम नफरत त्याग और ममता भी है। अनेक रंगों की होती हैं बड़ी अनमोल ये मोती। अनेक रंगों की होती हैं बड़ी अनमोल ये मोती। अगला वाला बंध एक माँ और बालक के बीच का जो बंधन है उसको दिखाया है। जब बालक गोद में माँ की वो दूध पीता है। जब बालक गोद में माँ की वो दूध पीता है। कभी रोता बिलखता है कभी परेशान करता है। कभी रोता बिलखता है कभी परेशान करता है। मगर जब भी वो आंचल को हटा के मुस्कुराता है। मगर जब भी वो आंचल को हटा के मुस्कुराता है। तभी माँ की ही ममता का गागर छलकता है। तभी माँ की ही ममता का गागर छलकता है। जब डोली और थे उठती है तो संसार साथ होता है। जब डोली और थे उठती है तो संसार साथ होता है। मिलना भी होता है बिछड़ना भी होता है। दोनों के मिलने बिछड़ने में अलग बातें होती हैं। दोनों के मिलने बिछड़ने में अलग बातें होती हैं। दोनों में दुनिया रोती है आँखों में दरिया होता है। दोनों में दुनिया रोती है आँखों में दरिया होता है। और इसका अगला बन इन आंसुओं की कीमत को कहाँ किसी ने जाना। इन आँखों की ही कीमत को कहाँ किसी ने जाना। बिबाई पैर में जिसके उसी ने इसको है जाना। बिबाई पैर में जिसके किसी को इसके उसी ने इसको है जाना। मतलब ही दुनिया में कैसे ये लोग रहते हैं। मतलब ही दुनिया में कैसे लोग रहते हैं। जब अपने दिल में पीड़ा हो तभी दर्द को है जाना। जब अपने दिल में पीड़ा हो तभी दर्द को है जाना। छलक जाती है आंखों से नमक की जो ये मोती। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। एक चाय के ऊपर मेरी एक कविता, उसको मैं आप लोगों के साथ आपको सुनाने जा रही हूँ। होठों को छुआ और अंग में मिली। होठों को छुआ और अंग में मिली। सुबह की ताजगी देके गई। होठों को छुआ और अंग में मिली। सुबह की ताजगी देके गई। मन हर्षित हुआ रूपुलकित हुआ। मन हर्षित हुआ रूपुलकित हुआ। चाय तुम मेरी
चाहत बन गई, चाहे तुम मेरी चाहत बन गई। तुम मेरी खुशी और गम में मिली, तुम मेरी खुशी और गम में मिली, तुम मेरी ज़िंदगी में घुल सी गई। तुम मेरी खुशी और गम में मिली, तुम मेरी ज़िंदगी में घुल सी गई। तीज त्यौहार हो या रूठना मनाना, तीज त्यौहार हो या रूठना मनाना, चाहे तुम यारों की महफिल बन गई, चाहे तुम यारों की महफिल बन गई। हम सबको इसी की ताकत है मिली, हम सबको इसी की ताकत है मिली, आसाम दार्जिलिंग की शान बन गई। हम सबको इसी की ताकत है मिली, आसाम दार्जिलिंग की शान बन गई। पीके तुम्हें लोग क्या बन गए, पीके तुम्हें लोग क्या बन गए, चाहे तुम देश की ताकत बन गई, चाहे तुम देश की ताकत बन गई। तो ये मेरी चाय के ऊपर समर्पित एक कविता, और इसके आगे मैं अपनी एक गज़ल लेने जा रही हूँ। एक ही मेरी गज़ल, रात भर कोई मुझको सताता रहा, रात भर कोई मुझको सताता रहा, और दिल की लगी को बढ़ाता रहा, रात भर कोई मुझको सताता रहा, और दिल की लगी को बढ़ाता रहा, आँख बोझल रही, आँख बोझल रही, सो भी पाए न हम, आँख बोझल रही, सो भी न पाए हम, चांद को दिल की बातें बताता रहा, चांद को दिल की बातें बताता रहा, रात भर कोई मुझको याद आता रहा, उनकी बातें बसी दिल में है आज भी, उनकी बातें, उनकी बातें बसी दिल में है आज भी, मैं मोहब्बत के नगमे ही गाता रहा, मैं मुहावर के नगमे ही गाता रहा, जिंदगी ये मेरी आपके नाम है, जिंदगी ये मेरी आपके नाम है, उस तसव्वुर से गम में जताता रहा, उस तसव्वुर से गम मैं जताता रहा, प्यार में जब ये झरना अधूरी रही, प्यार में जब ये झरना अधूरी रही, जिंदगी में अंधेरा ही छाता रहा, जिंदगी में दे राही छाता रहा, रात भर कोई मुझको सताता रहा, और दिल की लगी को बढ़ाता रहा, रात भर कोई मुझको सताता रहा। अब वक्त भी हो चला है, और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक देश के लिए एक मैंने गज़ल लिखी है, उसको मैं सुना रही हूँ आप लोगों को, और उससे पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी।
उनकी निगाहें भी क्या काम कर गईं, उनकी निगाहें भी क्या काम कर गईं, जाते मर जाते मुझको एग्जाम दे गईं, उनकी निगाहें भी क्या काम कर गईं, जाते जाते मुझको एग्जाम दे गईं, उनकी हंसी में राज था उनके दिल का, उनकी हंसी में राज था उनके दिल का, वो किताब में राजदार उनके दिल का, वो किताब में राजदार उनके दिल का, वो किताब में राजदार उनके दिल का। और अंतिम एक प्रस्तुति देश के लिए एक गज़ल। हम लोग जैसे सभी जानते हैं कि हम लोगों ने आज़ादी इतनी मुश्किल से पाई है, हमारे वीर जवानों ने भी कितने शहीदों ने इसके लिए कुर्बानी दी, और आज उस स्वतंत्र भारत में इतनी घटनाएं ऐसी घटित होने लगी जिससे मन आहत हो जाता है, और उसी को मैंने इस गज़ल में लिखने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मैं सुना रही हूँ आपको ये अपना देश के ऊपर एक गज़ल। गढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा हिंदुस्तान है, गढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा हिंदुस्तान है, देशभक्तों की शहादत का हिंदुस्तान है, देशभक्तों की शहादत का ये हिंदुस्तान है, रोजी रोटी के नाम बेबोट बिक रहे यहाँ, रोजी रोटी के नाम पे बोट बिक रहे यहाँ, फिर भी गरीबी बेकारी कम क्यों न है, फिर भी गरीबी बेकारी कम क्यों न है, देवगढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा गणतंत्र है, गढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा गणतंत्र है, हर रोज नए कानून बन रहे हैं यहाँ, हर रोज नए कानून बन रहे हैं यहाँ, फिर भी यहाँ पर बेटियाँ महफूज क्यों न है, फिर भी यहाँ पर बेटियाँ महफूज क्यों न है, शिक्षा स्वास्थ्य पानी भी बिकने लगा यहाँ, शिक्षा स्वास्थ्य पानी भी बिकने लगा यहाँ, आपदा पे लूट है चैन क्यों न है, आपदा पे लूट है चैन क्यों न है, आम आदमी की जरूरतें एक है यहाँ, आम आदमी की जरूरतें एक है यहाँ, लहू का रंग एक है तो प्यार क्यों न है, लहू का रंग एक है तो प्यार क्यों न है, संविधान में अधिकार है सबके लिए यहाँ, संविधान में अधिकार है सबके लिए यहाँ, उनको लेने देने में समता क्यों न है, उनको लेने देने में समता क्यों न है, गढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा गणतंत्र है, गढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा गणतंत्र है। और अब इसी के साथ अब मैं अपना काव्य पाठ अब समाप्त करती हूँ, अब वाणी को विराम देती हूँ, और इस मंच को सबसे पहले फिर बार बार बारंबार मेरा नमन, इस मंच में मैं फिर आऊँ आती रहूँ ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और ममता दीदी जिससे बहुत ज़्यादा मुझे स्नेह मिलता है, प्यार देती हैं वो अपना, उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और इस मन से जुड़े हुए सारे लोग जिनको मैं देख नहीं पाई हूँ, और जो भी लोग जुड़े हैं, गोपाल केसरी जी और शायद इलियास भाई भी जुड़े हुए हैं, चाचा जी भी, महेंद्र भट्ट चाचा जी भी जुड़े हैं, राखी जी भी आई थी, काफ़ी लोग जो आए थे वो चले गए, मैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना समय देके मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, नमस्कार।